तो फ्रेंड्स, कानपुर देहात पहुंचने के बाद ये मिल गई है यमुना नदी। और ये देख लीजिए, यमुना नदी में पानी अभी बहुत कम है। हेलो फ्रेंड्स, तो ये देखिए महोबा का बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और ये कमल देखिए, झील में कितने बड़े बड़े कमल खिले हुए हैं और सामने कितना बड़ा पठार है। यहाँ आके बहुत मज़ा आ रहा है। फाइनली अभी हम लोग बागेश्वर धाम पहुंच चुके हैं, जस्ट अभी पहुंचे हैं। और लखनऊ से 9 बजे निकले थे, मिनिमम कितने घंटे लगे आप लोग जोड़ लीजिएगा। अभी बज रहे हैं 7, तो अभी जस्ट पहुंचे हैं। भले ही रुकते रुकाते आए हैं, लेकिन अभी हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं। आप लोग जो लोग हमें तंदुरुस्त करना चाहते हैं बैठ जाएंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि आप सभी अपने आप को विराजमान करें। हेलो फ्रेंड्स, तो सुबह के बज रहे हैं अभी 4 और हम लोग लग गए हैं बालाजी के दर्शन करने के लिए लाइन में। ये देखिए बहुत लंबी भीड़ लगी हुई है। तो फ्रेंड्स, बालाजी सभी की रक्षा करें, सबकी मनोकामना पूर्ण करें और सबके साथ मेरी भी करें। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग बागेश्वर धाम से निकल चुके हैं माँ पीताम्बरा देवी के लिए। तो अभी हम पहुंच चुके हैं माँ पीताम्बरा देवी मंदिर के पास, प्रसाद लेने के लिए पहुंच गए हैं हम। फ्रेंड्स, हम लोग प्रसाद प्रसाद चढ़ा चुके हैं और यहाँ अंदर मंदिर में मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, तो इसलिए हम लोग नियम को फॉलो किए हैं। तो मैं माता जी के दर्शन नहीं करा पाई हूँ, उसके लिए सॉरी। और आप लोगों के ऊपर माता जी की कृपा बनी रहे। जय माँ भगवती। हेलो फ्रेंड्स, सभी को जय माता दी। तो अभी हम माँ पीताम्बरा देवी के दर्शन करके आ गए हैं झांसी। तो झांसी में हम देखेंगे रानी लक्ष्मीबाई का किला। सबको पता होगा खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो अभी हम खड़े हैं किला के बाहर और चलते हैं अंदर की ओर, देखते हैं, टिकट लेते हैं, फिर चलते हैं अंदर और आप लोगों को भी ज़रूर दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए कितने ऊंचे ऊंचे बने हैं, ऊंचे हमारी जैसी थी रानी लक्ष्मीबाई जी। आपको आसपास का भी नज़ारा दिखा रहे, काफ़ी दूर दूर से यहाँ लोग आए हैं अभी। और मौसम तो इतना सुहाना है कि क्या ही बताएं, बारिश ही बारिश हो रही है हल्की हल्की। तो फ्रेंड्स, हम चढ़ते हैं ऊपर तक थोड़ा और देखिए ये कैसे पत्थरों से बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आसपास का भी व्यू बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स, ये है झांसी, झांसी का शहर। और हम चढ़ाए हैं थोड़ा ऊपर, काफ़ी चढ़ाई है। तो फ्रेंड्स, देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पे। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी आ गए हम गेट के पास और लेते हैं टिकट। तो फ्रेंड्स, ये लिखा हुआ है झांसी दुर्गा का स्थल शिलान्यास। तो फ्रेंड्स, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। ये देखिए गिलहरी इसी में कितनी मस्त लग रही है, ऊंचा है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए क्या नज़ारा है यहाँ का।
अरे टॉप की फोटो खींचो भाई भाई कड़क बिजली कल हम सुने हो ना। तो फ्रेंड्स ये आ गए हैं कड़क बिजली तोप के पास में। ये देखिए कड़क बिजली तोप यही है ना उम्र 57 में। तो फ्रेंड्स ये लिखा हुआ है कड़क बिजली तोप। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोगों को पता है किताबों में सभी ने देखा होगा कड़क बिजली तोप, आप सभी ने देख पढ़ा होगा। और अभी हम आ गए नीचे गेट के अंदर। तो फ्रेंड्स हम फिर चलते हैं ऊपर की ओर। ये देखिए ये पहले की सीढ़ियां थी जो कि पत्थरों से बनी हुई है। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए चढ़ के ऊपर। ये देखिए ये देखिए तो फ्रेंड्स ऊपर से कुछ ऐसा सीन दिखता है। अभी ये थोड़ा ऊपर आए हैं, अभी इसके ऊपर और जाना है। ये देखिए लोग नीचे भी टहल रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए इतने छोटे छोटे से गेट बने हैं, इसी में रानी लक्ष्मीबाई रहती थी। तो फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं अब सबसे ऊपर। ये सामने गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है। तो फ्रेंड्स एक ये तोप रखा हुआ है ऊपर सबसे। ये है पीछे का पार्ट। तो फ्रेंड्स ये बहुत ऊंचे हैं, अभी हम लोग थक गए हैं, कोशिश करते हैं चढ़ने की। चलते हैं हम ऊपर की ओर फिर से। तो फ्रेंड्स हमें ये लगता है कि ये गन है। ये देखिए दोनों गेटों पर रखी हुई है। फ्रेंड्स ये आ गए हम सबसे ऊपर और चलते हैं अंदर की ओर देखते हैं। ये है अंदर का सीन। ये देखिए सबसे ऊपर का फ्रंट है। फ्रेंड्स अभी हम बहुत थक गए ऊपर चढ़ते चढ़ते, कोशिश करते हैं कि आप लोगों को सब कुछ दिखाएं। ये है सबसे ऊपर का फ्रंट। हमने कहानी थी खूब मेरी मैदानी में तो झांसी वाली रानी सुना।